आज इस बाबा के प्रार्थना का उससे पाठ का नमाज के बाद दोबारा आवाज किया जाता है। मैं बिलाता ही हाफिज गुलाम मुस्तफा आदि जो पाकिस्तान मैं तशरीफ लाया हूँ, खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो वाइफ तशरीफ लाएं और बाबा के सारे बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना दे के फरमाया हाफिज गुलाम मुस्तफा Yeah.
Oh, baby.
जिसे चाहे
आला हजरत फातिह अली के
पुरवाकार को जोश आई उर्दू सैयदी अल्लामा अबू इब्राहिम हुसैन सिद्दीकी कादी रदवी खामली रहमतुल्लाह अलैह के उस साहब उसी हवाले से यहां जमे जमा है। उसके साथ के हजरत मौलाना आज जावेद साहब का भाई मालिक के और उसके हवाले से भी हमारे विभाग की हाजिरी में मखसूस है। शख्सियतें कभी कभी पैदा होती है और कहीं कहीं पैदा होती है। मुझे जान करके बेहद खुशी है बदले देखकर कि आकाश के दीवानों की यह जमात और फसानों का यह हुजूम अगर अल्लामा इलाही हुसैन की हयात है जमा होगा तो क्या बात है। हम लोगों ने बहुत देर के बाद पहुंचाना है खामोश हुजूर सराफा एहसास अल्लामा इलाही हुसैन चौड़ी पेशानी जिसकी हर करड़ों से माजी हाल और मुस्तकबिल में उठने वाले बेशुमार तहरीक के हवाले से हसासियत का अक्स हुजूर इब्राहिम खुशकर अपने दौर का अजीम उमर के हुजूर इब्राहिम खुशकर अपने दौर के अजीम शायर अल्लामा हुसैन सिद्दीकी अपने दौर के अजीम आशिक रसूल अल्लामा हुसैन सिद्दीकी दबिस्तान दावा का बेहतरीन शायर अल्लामा हुसैन सिद्दीकी एक साहिब राइटर अल्लामा हुसैन सिद्दीकी एक अजीम मुफक्किर अल्लामा हुसैन सिद्दीकी एक अजीम बाबा गवर्नेंस अपने अल्लामा हुसैन सिद्दीकी और वो मानी बरात और फसाद का अजीम दाई हुजूर खुशा सिद्दीकी अपने कलम के आईने में मसलक आला हजरत की पुरजोश दाई अपने अमल के आईने में मसलक आला हजरत के हवाले से नहायत अजीम और बामल शख्सियत हुजूर खुशा सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आलिया था। मैंने पहली मरतबा हजरत अल्लामा हुसैन सिद्दीकी को मैं अपने उस्ताद गिरामी मौलवी हजरत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा अबू सलाम की अदा और फतू की रिसालत से 1923 में जून 1923 में पहली मरतबा मैंने अल्लामा हुसैन सिद्दीकी के कलमबोसी में शरफ हासिल किया था डरबन साहब की खान। उसके बाद तकरीबन 3-4 सालों तक मुझे उनकी नफरत शामिल था ऐसा अजीम आलिम दीन इसके हवाले से कहा जाएगा कि उठते तो आला हजरत बैठते तो आला हजरत चलते तो आला हजरत कहते तो आला हजरत लिखते तो आला हजरत मेरे अदाकारे नाम सात काम उनका शेर है मेरे अदाकारे नाम सात काम सुन्नी रजवी है मेरा हुस्न बयान। और उसके बाद वो कहते हैं चला चाड़ी में रोज चला हूं मुसाफिर हूं मगर खुद रास्ता हूं जमाना कब किसी को मानता है बहुत मुश्किल सफर पा गया हूं। ये अल्लाह अल्लाह हुसैन सिद्दीकी का आलम यह था उनकी शख्सियतों के हवाले से क्या कहा जाए किस किस उनके रुख को उनकी हयात पाक के किस किस जावे को आया दिखाया जाए एक ऐसा शख्स जो हमदन हमदन को जोश था ऐसी शख्सियत का आलम यह है कि एक बार मुझे वाक्य याद आया कि रात का वक्त था वो कमरे में आराम फरमा थे मुझसे कहा कि रात की तन्हाई है अगर मेरे कमरे से हिशियों की आवाज आए रोने की आवाज आए तो खुदा ने मेरे कमरे को मत खोलना। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि रात के पीछे पर अल्लाह मुसलसल रोते रहे अपने अल्लाह की बात करते रहे मैंने पूछा कि हजरत तबीयत तो ठीक है आप अच्छे हैं मुझसे